फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्योथन आर्ट स्टूडियो। एंड आज जो प्रैक्टिकल वर्क में मैं लेकर आई हूँ आपके सामने, वो है वाटर का इफ़ेक्ट कैसे देते हैं एक्रेलिक कलर में। तो ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर सिंपल वाटर है, ये फर्स्ट कोट कर चुके हैं। अब जो फाइनल टच होता है, उसके लिए हमें वाटर में कैसे ब्रश को मूव करना होता है और किस तरह से कलर लेने होते हैं, वो हम इसमें दिखाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। जिस पेंटिंग पर हम वर्क कर रहे हैं, वाटर बना रहे हैं, वो पेंटिंग ये है। शेप इसमें हम अभी इनकम्प्लीट है, इसमें वर्क किया जा रहा है, बट आज का टॉपिक हमारा वाटर है, तो वाटर दिखाएंगे आपको कि कैसे बनाते हैं रियलिस्टिक में वाटर इफेक्ट। तो लेट्स स्टार्ट। इसके लिए जो कलर यूज़ कर रहे हैं वो कौन कौन से कलर हैं? एक तो पर्शियन ब्लू, नेक्स्ट ग्रीन, विड इन ग्रीन, नेक्स्ट सर्लेन ब्लू एंड हल्का सा वाइट एंड कोबाल्ट ब्लू। मीन्स इसमें हम ब्लू कलर की शेड्स ले रहे हैं। अब देखिए, ये एक्रेलिक कलर है, ये भी डार्क शेड दे रहे हैं। जैसे ऑयल कलर में दी जाती है डार्क शेड, वैसे ही पहले इसमें डार्क शेड दी जा रही है। ये जो बैकग्राउंड है हमारा, जो हमने सरफेस लिया है, ये कैनवास है, कैनवास शीट। ये कपड़े की तरह होता है, टेक्सचर होता है इस पर। ये फ्रेम में भी मिलता है और रोल में भी मिलता है। रोल में आता है तो आप उसको किसी भी साइज में कट कर सकते हैं। इस कैनवास को हमने काट के बोर्ड पिन से ऊपर अटैच किया हुआ है। देखिए, ये ऐसी शीट होती है। पहले देखिए, पूरे बैकग्राउंड में डार्क शेड दी जा रही है। जहाँ जहाँ पर डार्क टच है वाटर में, वहाँ डार्क इफेक्ट दिखाया जा रहा है। एक्रेलिक कलर यूज़ करने के लिए फ्लैट ब्रश को यूज़ किया जा रहा है, और मोस्टली फ्लैट ब्रश ही इसके लिए अच्छे होते हैं। जैसे ऑयल कलर के लिए भी फ्लैट ब्रशेज यूज़ होते हैं, वैसे ही एक्रेलिक कलर के लिए भी फ्लैट ब्रशेज ही अच्छे होते हैं। जो राउंड ब्रश या सेबल ब्रश होते हैं, वो हमारे वाटर कलर के लिए या नेचर कलर के लिए सूटेबल होते हैं। हल्की सी लाइट टोन डाली है यहाँ पर। जहाँ जहाँ पर अब ये वाली शेड हमें डालनी है, वहाँ वहाँ अब ब्रश को लगाना है इस कलर में डिप करके। ये सेकंड टोन है,
इसमें हमने ज़्यादा पानी यूज़ नहीं किया है। अब देखिए इफेक्ट अभी से ही आपको नज़र आने लगेगा। अब वाइट कलर का यूज़ कर रहे हैं जिससे कि वेव्स के जो झाग होते हैं वो शो किए जा रहे हैं। सॉरी कैमरा हिल रहा है ज़्यादा। ब्रश को पकड़ने का जो सही तरीका होता है वो होता है ब्रश को हमेशा चार उंगल छोड़कर पकड़ना चाहिए, कम से कम चार उंगल। बहुत मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को देखा है कि आगे से ब्रश को बहुत पॉइंट से पकड़ लेते हैं, जहाँ पर उसका सिल्वर पॉइंट होता है वुड में अटैच, बट वहाँ से पकड़ने से हाथ का जो फ्लो होता है वो कम होता है। अगर हम ब्रश को पीछे से पकड़ते हैं कम से कम चार पांच अंगुल छोड़कर तो ब्रश जो है वो अच्छे से मूव करेगा। अब इसी टोन को हम हर पूरी पेंटिंग में अप्लाई करेंगे जहाँ जहाँ पर इसका यूज़ हो रहा है। अब हम इसको हल्का हल्का मिक्स कर रहे हैं। ब्रश में ज़्यादा वाटर लेना नहीं है, हल्का सा ड्राई रखना है ब्रश को, उसमें से कलर उसमें कलर होना चाहिए बस हल्का सा। अब हमें जो मिक्स करने हैं कलर और जो फाइनल टच देना है उसके लिए हमें थोड़ा ब्रॉड ब्रश चाहिए, और उसके लिए हमें 10 नंबर का ब्रश लिया है, फ्लैट ब्रश में झाग होते हैं तो उस टाइप से ब्रश का इफेक्ट दे रहे हैं। इसी ब्रश के स्ट्रोक से हम क्लाउड भी बनाते हैं ऐसे ही, बट क्लाउड के लिए हम हल्का सा इसको वेट रखते हैं ब्रश को। एक बात नोटिस कर सकते हैं कि जहाँ पर बहुत डार्क शेड हमने लगाई है वाइट कलर हम जस्ट उसके ऊपर लगा रहे हैं। ये जो वाइट कलर है ये हाइलाइटर का काम करता है, जिससे हम सन की जो रेज है ऊपर उसका इफेक्ट देते हैं।